अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बाजीस की बातें। और आज है आपके लिए एक और सरप्राइज, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर शबो बाजी के साथ गुलफशा बाजी भी आई हुई हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो, क्या समीटा सामाटी कर रही हैं आप? मैं आपका ईद का ड्रेस है? ये मेरी बहन की ईद का ड्रेस है। मेरा अभी फिट नहीं आएगा, मैं अच्छी हुई हूं। कहां जा रही हो? और ये मेरी अलमीरा है, और ये मेरे पर्स है। बहुत सारे तरह के लिए पर्स है मेरे पास। पहले बताओ कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपने सूट के लिए लास्ट लेने जा रही हूँ। दिखाओ कैसा सूट आपका। मेरा सूट ना उन्होंने भेजा है, हमारी अभी हैंगी ना हमारी फ्रेंड है, तो ये उन्होंने हमें ये मेहरून कलर का सूट भेजा है। मैं लास्ट लेने जा रही थी, इससे मैचिंग थी ना। दिखाओ लैस ना उठ जाता है सूट। दिखाओ 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 दिखाओ। अरे कुछ नहीं है ये, बाकी तब तो दे दिया ना मैंने। ये बस कुतरा है, ये कुतरा। तो कुतरे के जो टुकड़े होते हैं आप लोगों को भी पता होगा, 7500, तो उनको जोड़ने के लिए लेस चाहिए। आज हम दोनों बने हैं लाल परी। बेसिकली रमजान में बेहिसाब हो जाते हैं, मतलब जितने सूट हमें बनाना होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो हम रमजान में ही कोशिश करते हैं कि हम बनाएं, क्योंकि अपेरेंटली उसका हिसाब उतना नहीं होगा जितना रेगुलर डेज में हम बनाते हैं तो होता है। तो इसलिए हम लोगों ने नए सूट बनाए हैं। मेरा सूट है मीना बाजार का, और आप बताइए आपका कहाँ का है। आज मैं लाल परी बनी हुई हूँ। मेरी सास बहुत खुश हो गई है मुझे इस तरह देख के। और आप बताइए आपने क्या पहना है। मैंने चिकन का कॉटन का कुर्ता पहना है, मेरा तो इम्पोर्टेड है। ये पकौड़ी की तैयारी, मगे फेमस पकौड़ी। क्या बनाया आज? शरबत। शरबत में क्या बना? टैंग। शरबत में टैंग बना है, रूह बना है, तरबूजे का जूस बना है। तरबूजा क्या होता है सुबह? तरबूजे का जूस। और ये क्या? ये बनी है देसी रशियन सैलेड। वाह, मतलब इतनी ज्यादा रशियन है नहीं है, उससे ज़्यादा रशन तो आप लग रहे हो मुझे। ये देखिए कितना खूबसूरत अफ्तार का डेकोरेशन करवाया है। और क्योंकि दोनों बाजीज एक साथ हैं तो आज गुलफशा बाजी की दावत करी है हमारी दोस्त फातिमा ने, और रमदान को अलविदा कहने का वक्त आ गया है तो स्टाइल में अलविदा कहेंगे। तो ये खूबसूरत सा डेकोर और इतना अच्छा सा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेज़ पे खाना ही खाना लगा है। और आज है हमारा रोज़ा अफ्तार। इनको पहचाना? इनके साथ हमने गुड्डू खां की बहू वाली वीडियो बनाई थी, वही तो है माशाल्लाह से। और लस्सी है और रूह अफ़ज़ा है और इतनी तरह की चीज़ें हैं, ऐसे खूबसूरत चाँद सितारे का डेकोरेशन है। और सिर्फ हम ही शर्मा जी की फैमिली के वहाँ जाके होली दिवाली नहीं मनाते हैं, वो भी हमारे घर आए अफ्तार करने। देखो ये हमारे आनंद भैया हैं जिनकी शादी में हम चंडीगढ़ गए थे, व्लॉग डाला था याद है, ये उनकी दुल्हन है लाल जोड़े में। और ये हमारे वो हैं शर्मा जी की बेटियाँ, दोनों माशाल्लाह से अफ्तार करने आई हैं। ऐसा नहीं, बहुत एक आया अल्लाह का शुक्र। ये हमारी भाभी घूम रही है पिस्ता बनी हुई, हमारी मुन्नी की मामी। बहुत बड़ा गिफ्ट मिले सर। क्या मिला, क्या मिला? बहुत। और हम घर वापस आए तो हमारी सास दो हेवी हेवी जोड़े लाई, देख के हम डर गए कि हमारी सास को क्यों जवानी चढ़ रही है। फिर उन्होंने बताया ये गुलाबी वाला जोड़ा हमारे लिए है, और ये हरा वाला भरा हुआ गचागच गुलफशा के लिए। हमारे लिए वो सिंपल लाई क्योंकि हम सिंपल पहनते हैं। अब गुलफशा को पता नहीं है, और सरप्राइज देते हैं। लगा तो मम्मा का सूट अच्छा लगे, दोनों बहुत अच्छा। ये वाला आप फरिंगी मेहंदी में पहनिएगा। बच्चों को लेके जा रहे हैं फिरनी खाने। चल
स्पेशल फिल्मी। चलो ये जिद्दी पना कर, मत करा कर। लो बीबी। अच्छा इंद्राणी मैं खाऊंगी ना इतनी इंद्राणी। बस भैया खाओगे क्या? इसका नाम इंद्राणी क्यों है सवाल ये। छोटी दे दो, इसे पहना दो। छोटा सा ही है, इसे पहना देना। अरे वाह।